नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज सुबह तड़के दिल्ली पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दिल्ली के लोगों के ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लाया गया है ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कर्नाटक में आज रात से 14 दिनों तक के लिए लगा कोरोना कर्फ्यू। 4 घंटे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की दी गई है छूट। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के मामले पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तेलंगाना सरकार ने आज से 31 मई तक राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए गर्मी छुट्टी की घोषणा। राज्य में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लिया गया है फैसला। कोरोना संक्रमण के कारण हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आज से 10 मई तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू रहेगा उसमें कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर शामिल है। आज होगी मोहाली नगर निगम की पहली बैठक। इस दौरान वित्त एवं ठेका कमेटी का किया जाएगा चयन। चैत्र पूर्णिमा शाही स्नान के मद्देनजर आज हरिद्वार में सीमित संख्या में साधु संत करेंगे स्नान। इसको लेकर अखाड़ा के पदाधिकारियों ने मेला पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। झारखंड के मिलिट्री हॉस्पिटल में आज से होगा कोरोना मरीजों का इलाज। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सेना का जताया आभार। कोरोना के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। आज से मुकदमा, दाखिला या सुनवाई सब कुछ होगा ऑनलाइन। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए आज दुबई से 6 और कंटेनर लाने की तैयारी में है सरकार। भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बांग्लादेश भारत के साथ सभी सीमा को किया सील। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को आइसोलेशन में रहने की दी सलाह। भोपाल में आर्मी के 300 जवानों ने 2 दिन में तैयार किया कोविड आइसोलेशन वार्ड। फिलहाल 150 बेड की होगी सुविधा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संकट पर केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, दिल्ली सरकार एक व्यवहारिक फैसला ले, प्रत्येक अस्पताल में एक विजिटर नियुक्त करे जो ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल के तमाम बातों का निगरानी रखे। उधर 1 मई से वैक्सीन लगवाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने को दी मंजूरी। आगरा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने से एक पत्नी ने अपने पति को तरफता देख मुंह से ऑक्सीजन भरने की कोशिश की, बाद में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सचिवालय में बाहरी लोगों के आने पर 1 सप्ताह के लिए लगाया प्रतिबंध। कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना संक्रमण पर डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा, घर में भी मास्क पहन कर रखें, 2 लोग अगर घर में हो तो जरूर मास्क पहने। बढ़ते कोरोना के कारण हॉस्पिटल में बेड की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने 4,000 कोविड कोच तैयार किया, जिसमें 6400 कोविड बेड उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण की कमी को लेकर आई अच्छी खबर। मुंबई में कोरोना संक्रमण में पिछले 3 दिन में कमी दर्ज किया गया। बंगाल चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को दिया जवाब। कहा, हार पर एम्पायर को जिम्मेदार बता रही है ममता बनर्जी। केरल में कोरोना पर हुए सख्त नियम। सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर लगी रोक। शाम 6 बजे से सभी दुकानें होगी बंद। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हॉस्पिटल का जायजा लेने के बाद कहा, हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, जो भी जरूरत होगी उसे पूरा करेंगे। गुजरात में भी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन देने के लिए तैयारी हुई पूरी। सरकार ने 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने के दिए ऑर्डर। बोकारो से चला ऑक्सीजन टैंकर एमपी के सागर पहुंचा। 1 सप्ताह तक नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। महाराष्ट्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन किसी सदस्य के आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। यातायात विभाग ने बिना मास्क के चलने वाले लोगों के खिलाफ चलाया जुर्माना अभियान। जिलाधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ल बोले, बिना मास्क चलने वाले का 1,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना करने का है आदेश। बढ़ते कोरोना के बावजूद यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं में दिखा क्रेज। जिला अमेठी में संग्रामपुर ब्लॉक के सरैया बड़ा गांव में आकांक्षा ने शादी से पहले अपना वोट डाला। उधर मिर्जापुर में फर्जी मतदान को लेकर हुआ पथराव। SDO और CO की गाड़ी को तोड़ी गयी।
यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह सहित लगभग दर्जन भर अधिकारी कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित, जिसके बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि उनके संपर्क में आने वालों से अनुरोध है कि वे सभी अपना कोरोना जाँच कराएं। खबर है कि चुनाव ड्यूटी के बाद से ही ये सभी बीमार थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एसपी सुखवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 120 कोरोना मरीज मिले। यूपी के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जनपद के तहसील कुलपहार के अंतर्गत ग्राम पनवारी में डॉक्टर पंकज तिवारी कोरोना मरीजों को जो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण तड़प रहे हैं, उन्हें सड़क पर ही ऑक्सीजन लगाकर जान बचा रहे हैं। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।